आप सबके हैंडसम एक्टर सुमित वैसे तो अपने फ्रेंड्स को हमेशा से एंटरटेन करते ही रहते हैं, लेकिन जब सुमित को नींद नहीं आती तब वो अपने फ्रेंड्स को काफ़ी अच्छे से और भी एंटरटेन करते हैं। दरअसल मौका था 1:30 बजे का, जहां पर सुमित बोर हो रहे थे, उन्हें नींद भी नहीं आ रही थी। उन्होंने अपने फ्रेंड्स को मैसेज करते हुए ट्वीट किया, लोग जागे हुए लग रहे हैं, चलिए #AskSumit करते हैं कुछ टाइम के लिए। यहाँ पर सुमित ने ओपन फॉर्म रखा, जिसको सुमित के बारे में जो सवाल पूछना है वो पूछ सकता है, और सुमित ने सबके जवाब भी दिए। तो पहला सवाल आता है कि हाय, दिस इज वेंकटेश फ्रॉम आंध्र प्रदेश, माय गर्लफ्रेंड इज अ बिग फैन ऑफ यू, शी नेवर मिस योर सीरियल एंड शी यूज टू पुट योर स्टेटस ओनली, सो आई वांटेड टू मेक हर डे अ बेगर एंड मेमोरेबल विद योर विशेज ऑन हर बर्थडे। सुमित ने इनकी इच्छा पूरी करते हुए बड़ा ही खूबसूरत सा कॉमेंट करते हुए लिखा, I might not be available on this specific date due to my fluctuating schedule, पर भाभी जी को एडवांस में हैप्पी बर्थडे। आगे जब किसी ने सुमित से पूछा कि सर हाउ डू यू कोप अप विद एनेक्सिटी एंड फ्रस्ट्रेशन एडमिट्स लॉकडाउन ड्यूरिंग एन अनफेवरेबल इवेंट, यहाँ पर सुमित ने कहा कि आई फेस द पेन टिल आई अंडरस्टैंड वाई इज देयर, नाउ वेलकम एनेक्सिटी, मोस्टली इन द एंड इट टर्न्स आउट दैट दिस इज ब्यूटिफुल दैन थॉट। आगे सुमित ने कई सारे फैंस के खूबसूरत सवाल का जवाब देते हुए कहा, व्हाट इज़ द बिगेस्ट थिंग अबाउट एक्टिंग और बीइंग एन एक्टर फॉर यू, तो सुमित ने इसका सवाल का जवाब देते हुए कहा, लव एंड रिस्पेक्ट एज एन एक्टर, लिविंग अ डिफरेंट लाइफ इन टर्म्स ऑफ एक्टिंग। आगे जब पूछा सुमित से कि हाउ इज़ योर पेरेंट्स सुमित, तो उन्होंने कहा मैं बेटा हूँ उनका, परेशान नहीं होंगे, हा हा। आगे सुमित से पूछा किसी ने कि माई डार्क लव हाउ वॉज योर एक्सपीरियंस, सुमित ने कहा इट वॉज फन, अ स्मॉल टीम ऑफ माई फ्रेंड गेटिंग द बेस्ट फॉर एवरीथिंग। आगे एक फैन के सवाल में उन्होंने पूछा, विल यू विजिट हैदराबाद एट लीस्ट वंस, लव फ्रॉम साउथ। सुमित ने कहा आई हैड विजिटेड वंस व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड, आई लव प्लेइंग गेम्स इन द लोकल गेम शॉप देयर, दैट्स ऑल आई रिमेंबर। आगे किसी ने पूछा स्पेस में चलें क्या बोलते हो, तो सुमित ने कहा एयरबोन डिसीजेस आ गया है तो वापस जाना पड़ेगा अपने अपने घर में। आगे जब सुमित से पूछा गया कि सुमित व्हाट हैज़ बीन योर बेस्ट फैन मोमेंट टिल नाउ, लव फ्रॉम दिल्ली, तो सुमित ने कहा एवरी मोमेंट वेयर इज एनी पर्सन इज हैप्पी मीटिंग मी, माई हैप्पीनेस डिपेंड्स ऑन देयर हैप्पीनेस। इतना ही नहीं, जब सुमित से ये पूछा गया अ पार्ट ऑफ इंडिया दैट यू वॉन्ट टू विजिट सिंस अ लॉन्ग टाइम बट यू आर नॉट एबल टू, सुमित ने कहा द पीसफुल साइड ऑफ नॉर्थ। आगे किसी ने कहा एज इन दिस टफ टाइम वी आर ऑल आर फ्रस्ट्रेटेड एनेक्सेड, तो स्टूडेंट अबाउट करियर, अडल्ट ऑन फाइनेंस एंड एवरी वन वॉन्ट अ मेंटल पीस, हाउ आर यू कीपिंग योर सेल्फ काम एंड हैप्पी। तो यहाँ पर सुमित बड़े ही स्टाइल से बोलकर आते हैं नज़र कि क्या मैं आपको काम लगता हूँ। आगे लास्ट बट नॉट द लीस्ट सुमित से पूछा गया कि आप अपनी स्टडीज़ को कैसे कंसंट्रेशन देते हो, क्या कोई सोल्यूशन है, सो मैंने कहा कि हमेशा याद रखो आपका पर्पस पढ़ाई के लिए, हो सकता है आपको वो हेल्प करे। आगे किसी ने पूछा कि वन ऑफ द बेस्ट थिंग दैट यू हैव डन इन योर लाइफ दैट यू आर रियली प्राउड ऑफ इट, यहाँ पर सुमित ने बड़े ही गर्व से जवाब देते हुए लिखा मेड माई पेरेंट्स एंड फ्रेंड्स हैप्पी समटाइम्स। तो देखा आपने कि कैसे सुमित ने सबकी इच्छा पूरी करते हुए उनको बहुत ही खूबसूरत तरीके से जवाब दिया। और इतना ही नहीं, जब सुमित से किसी ने ये पूछा कि सर यू चेंज माई लाइफ वोना थैंक यू फ्रॉम हार्ट वैसे व्हेन यू आर कमिंग टू कोलकाता, तो यहाँ पर सुमित ने यह भी जवाब देते हुए कहा इफ़ आई रियली डिड आई एम ग्रेटफुल, तो वहीं किसी ने पूछा डू यू स्नो टेल फास्ट फॉर रिसर्च पर्पस, तो यहाँ पर सुमित ने अपना सीक्रेट खोलते हुए कहा ओह I usually asleep, couldn't notice, sorry। यानी कि सुमित को खर्राटे आते हैं या नहीं ये उन्होंने नोटिस नहीं किया, लेकिन बहरहाल सुमित को जब नींद नहीं आ रही थी तो जिस तरीके से उन्होंने फैंस के साथ इंटरेक्शन सेशन किया वो हमारे लिए तो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग था।